अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ भले चंगे होंगे, घरों में होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला इन मुश्किल वक्त से हम सबको बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं कीमा आलू, जिसके लिए मैंने 2 मीडियम प्याज लिए और 1/4 कीमा जो है ऑयल का लिया है। आज कल मेरे पास ऑयल है, मैं ऑयल ही पका रही हूँ। जो चीज़ घर में आप उसी से करें। और ये है 1/2 kg यानी 500 ग्राम कीमा। इसमें गोल मिर्चें भी साथ डाल दी प्याज के साथ ही, जो मैंने बताई नहीं थी, लेकिन मैं अब बता रही हूँ कि मैंने 1/4 टीमग ऑयल का लिया है, 2 मीडियम प्याज लिए हैं, 5 ये गोल मिर्च होती है ये ली है, और प्याज को मैंने ये देखें छोटा छोटा सा किया है। आप चाहें तो स्लाइस में काट लें। मैंने कहा ना कि हम उर्दू स्पीकिंग लोग जो होते हैं ना, लहसुन अदरक प्याज खाने में ये चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन, तैरता बना हो मसाले में लहसुन अदरक प्याज तैरता बना हो, हम लोगों का बड़ा मसला। लहसुन को भी हमने हल्का सा बस 1 मिनट के लिए धीमे प्याज को ब्राउन किया है। अब इसमें से अच्छी सी कुकिंग की खुशबू आ रही है, तो यहाँ मैं कीमा डाल दूँगी। और कीमा है बीफ का और मशीन का। तो इसे ज़रा सा भूनेंगे जब तक इसका कलर बदलता है, उस वक्त मैं आपको शेयर। अब कीमे को भी हमने कलर बदलने तक या उसकी खुशबू आने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब यहाँ डालेंगे टमाटर, 2 अदर बड़े टमाटर डालेंगे। एक टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्ची, 1 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी। और ये 10-12 दाने कलौंजी के, ये वैसे ही मैं हर सब्ज़ी और उसमें डाल रही हूँ, अच्छा होता है। ये दाने बड़े शिफा वाले हैं, ज़रूर डाला करें। हाफ के जी कीमा है तो ये 3 अदद आलू हैं, आलू हम काटेंगे इस तरीके से, 1 में से 4 चम्मच। इसे भी कीमे के साथ ही अभी हम भून लेंगे, क्योंकि कीमा बहुत बारीक है और 10 मिनट हो गए कीमे को भूनते हुए। बस ये आलू भी डाल देंगे। कीमे को हो गए 10 मिनट तकरीबन, और भूना है मैंने सिर्फ छीटा दे देकर, ना कि पानी डाल के गलाया है। साथ ही हम आलू भी डाल देंगे। इनको भी साथ ही भून लेंगे। जितनी देर आलू गलेंगे 10-1 मिनट में कीमा भी हमारा बिल्कुल तैयार होगा। अब 3 से 4 मिनट तक मैं और भूनूंगी इसे। आलू को भी 5 से 6 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब इसे गलने के लिए दोनों चीज़ों को, कीमे को पकते हुए 15 मिनट हो गए भूनते हुए, और आलू को 5 मिनट, ये देखिए। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे 1 गिलास देखिए, और आलू और कीमे को अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे।
मैंने दो बार आके चेक किया था, पानी खुश हो गया। ये देखिए आलू, आलू ज़बरदस्त से गल गए हैं, देखिए दो हो गए। बस हम इतने ही उसको पाना है। अब यहाँ मैं डालूँ थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च, और एक बड़ी चिट्ठी गरम मसाले। ये कीमा हमारा अच्छे से तैयार हो गया, बस इसको भी दिखाते हैं। और ये है हमारा कीमा आलू। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूलें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।